आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो ई डिजिटल का जो रिमोट है इसको हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो ऊपर टीवी कीज गिवन है इनको हम लर्निंग कीज भी कहते हैं, क्योंकि इनको हम कोड लर्न करवा सकते हैं हमने टीवी के रिमोट के हिसाब से। हमारे पास ये सैमसंग एलईडी टीवी का रिमोट है जिससे आज हम इसको प्रोग्राम करने वाले हैं। सबसे पहले ई डिजिटल रिमोट के ऊपर यहाँ पे जीरो और ओके बटन गिवन है, इन दोनों को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है जब तक ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है जब तक ऑन ना हो जाए। इन दोनों को होल्ड करने के बाद यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है ये ऑन हो जाएगी, इसका मतलब जो रिमोट है वो प्रोग्रामिंग मोड में आ चुका है। एक बार ये ऐसे ही करके देखते हैं, जीरो बटन और ओके बटन को होल्ड करके रखना है 3 सेकंड तक। जो रिमोट है वो प्रोग्रामिंग मोड में आपका आ चुका है। इसके बाद आपको इस रिमोट में वाला बटन दबाना है जिस बटन को आपको प्रोग्राम करना। मान लीजिए मैं इस वाले बटन को इसके पावर से प्रोग्राम करना है, सिंगल बार प्रेस करेंगे और इसके सामने रख के बिल्कुल पावर का बटन दबा देंगे। इसी तरह बाकी कीज भी लर्निंग कीज है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इस बारी मान लीजिए हम ए बी बटन को प्रोग्राम करते हैं, इसे ए बी बटन को सिंगल बार प्रेस करेंगे और जिस भी बटन से आपको प्रोग्राम करना है, मान लीजिए हमें इसे एच डी एम आई से प्रोग्राम करना है तो इसे सिंगल बार एच डी एम आई को दबा देंगे इसे सामने रख के। इसी तरह वॉल्यूम कीज भी हैं जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। पहले मान लीजिए हम वॉल्यूम माइनस को प्रोग्राम करते हैं तो वॉल्यूम माइनस को सिंगल बार प्रेस करेंगे और बिल्कुल उसको सामने रख के वॉल्यूम माइनस को दबा देना है। इसी तरह वॉल्यूम प्लस को भी हम प्रोग्राम करेंगे, वॉल्यूम प्लस को सिंगल बार दबाना है और ये वॉल्यूम प्लस को बिल्कुल उसके सामने रख के फिर से प्रेस कर देना है। जब आप सारी कीज को प्रोग्राम कर लो, इसे ओके की को दोबारा दबाना है ताकि जो भी आपने कोड इसको लर्न करवाया है वो इसी में सेव हो जाए। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये दोनों का जो रिमोट का डिस्टेंस है बीच का, ये सेटअप बॉक्स का रिमोट है और ये टीवी का रिमोट है, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए ताकि जो सेटअप बॉक्स का जो रिमोट है वो ईजिली इससे कोड अपने अंदर स्टोर करवा सके।